में प्रिय रंजन और डिस्कस करेंगे यस बैंक स्टॉक के बारे में। वन ऑफ द बेस्ट कंफ्यूजिंग स्टॉक हम इसको कहेंगे, वन ऑफ द टॉप कंफ्यूजिंग स्टॉक इसको कहेंगे, क्योंकि मैं खुद इस स्टॉक में कंफ्यूज हूं। पास्ट वन ईयर के ट्रेंड को देखेंगे तो बिल्कुल कंसोलिडेट फॉर्म में ही दिख रहा है, न तेजी न गिरावट। और जो बड़ी तेजी से स्टॉक में दिखेगी वो 24 के ऊपर दिखेगी, क्योंकि 14 to 24 के कंसोलिडेट फॉर्म में है। वंस इट विल क्लोज अबव द प्राइस ऑफ 24 देन वी कैन सो अ गुड अप मूव फ्रॉम लोअर साइड टू अपर साइड। तो इस समय एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए। और एपिसोड में आगे बढ़े इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे। यहां एक बड़ी खबर दिखी, खबर यह दिखी कि 31 दिसंबर के जो क्वार्टरली नंबर्स बनने हैं उसको लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 48 आवर, 1 जनवरी से नेक्स्ट 48 आवर जो भी इसके डेजिग्नेटेड पर्सन हैं और उनके रिलेटिव हैं उनको शेयर बाजार में ट्रेड करने से बचना होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो कि वो न्यूज समझ करके अपने हिसाब से ट्रेडिंग बना ले, और ये सभी कंपनियों में होता है। तो ट्रेडिंग बंद यस बैंक में ऐसा थंबनेल से डरने का नहीं, ये थंबनेल व्यूज के लिए होता है ताकि ज्यादा आदमी देख सके। यहाँ देखेंगे सेलर कंपेटिटिवली बायर के लगभग डबल है, 8 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है और डिलीवरी 33% है। अगर मैं इसके चार्ट को दिखाऊं तो ये चीज को याद रखेंगे कि इस स्टॉक में अपर साइड जो 23-24 है ये एक सप्लाई जोन है, ये क्या है, ये एक सप्लाई जोन है। और लोअर साइड देखेंगे तो 19-1 ये जो है ये एक डिमांड जोन है। तो 19 को ब्रेक डाउन करता है तो 16 तक के मैक्सिमम डाउनफॉल दिख सकते हैं, और 24 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इसके लिए 24 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो इसके मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे 24 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो तीन टारगेट दिखेंगे। पहला टारगेट जो आएगा 32, दूसरा टारगेट 40 और तीसरा टारगेट 65। लेकिन कब? जब 24 के ऊपर का ब्रेकआउट देगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर बिल्कुल कॉशन बरते, इग्नोर करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म आपके व्यूज हैं तभी इस स्टॉक को बाइंग के पर्पज से सोच सकते हैं।